ये देखिए दोस्तों, अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, थोड़ा रेड कलर हो चुकी है। और ये क्या भैया, ये रहा उड़द दाल। ये देखिए थोड़ा उड़द दाल डालेंगे, ये देखिए दोस्तों। और इसे भी फ्राई करेंगे भैया। हाँ, ये भी रेड कलर करेंगे पूरा। और देखिए इसे भी फ्राई करेंगे अच्छी तरह। तो देखिए दोस्तों, ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। ये क्या भैया, तिल। ये तिल देखिए भैया, इसमें तिल भी डाला जाता है। देखिए थोड़ा डाल रहे हैं। ये अपना जीरा है, देखिए इसमें जीरा भी आता है। देखिए अपना जीरा डाल दिया है, इसे भी अच्छी तरह से फ्राई कर दिया। ये क्या भैया, ये इसमें अदरक है, कड़ी पत्ता है, नारियल है। देखिए भैया इसमें अदरक, कड़ी पत्ता, नारियल, ये भी इसमें डालते हैं। ये देखिए इसमें डाल दिया, इसे भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्राई हो रहा है, देखिए अच्छी तरह से ये भी फ्राई हो चुकी है। ये क्या भैया, धनिया। ये कौन सा धनिया, अक्खा धनिया। ये देखिए भैया, अक्खा धना भी इसमें डाला जाता है। ये देखिए अक्खा धना का मात्रा ज़्यादा रहता है ना भैया। देखिए इसमें अक्खा धना का मात्रा ज़्यादा रहता है, इतना सारा अक्खा धना डाल देखिए। ये भी फ्राई होगा ना भैया, ये भी फ्राई होगा अच्छी तरह से। तो भी फ्राई करने में देखिए भैया अच्छी तरह से इसको फ्राई कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये भी धाना फ्राई हो चुकी है। ये क्या भैया, ये सांभर मिर्च है। ये देखिए ये भी इसमें डाला जाता है। ये देखिए, देखिए डालते हैं भैया। देखिए बस, देखिए दोस्तों ये डाल हुआ है सांभर मिर्च। ऐसे भी देखो, इसके बाद और इसको कुछ डालना भैया, क्या डालना बाकी। हल्दी देखिए दोस्तों, इसमें हल्दी भी आता है थोड़ा सा, बताते हैं। अब देखो इसके भी, इसे भी अच्छी तरह से भून लेते हैं। ये देखिए इसमें, देखिए भैया हल्दी डाल रहे हैं इसमें। देखिए एक चम्मच हल्दी डाल दिए, देखिए थोड़ा एक चम्मच और डाल रहे हैं। देखिए हल्दी डाल, देखिए दोस्तों हल्दी डाल चुके हैं इसमें। देखिए इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे, मिक्स करेंगे इसको। देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है, इसका सुगंध भी मस्त आ रहा है। देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों हल्दी भी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। इसमें और कुछ डालना भैया, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं भैया, अपना थोड़ा नाम बता दीजिए, आपका नाम क्या है। ओम प्रकाश सिंह। देखिए दोस्तों, भैया का नाम ओम प्रकाश सिंह है। ये देखिए अब ये सांभर का मसाला रेडी हो चुका है। अब आगे बताएंगे कि सांभर बनाया कैसे जाता है।